दोस्तों, आप सभी ने डूबते को तिनके का सहारा ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी कंपनी के मालिक ने इसी कहावत पर अमल करके अपनी कंपनी बचाई हो? और अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दरअसल कुछ हुआ ऐसा था कि फेडेक्स कंपनी डूबने के कगार पर थी और उसके मालिक के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और ऐसे में उस मालिक ने ऐसा डिसीजन लिया कि वो बचे कुचे पैसे लेकर लास वेगास में जाकर जुआ खेलेगा और उससे मिले हुए पैसों से वो अपनी कंपनी आगे बढ़ाएगा। 1971 में स्मिथ नाम के एक इंसान ने अपने पास के $4 मिलियन और इन्वेस्टर्स के पास के $80 मिलियन लेकर फेडेक्स कंपनी की स्थापना की थी। शुरुआत में कंपनी के पास 8 हवाई जहाज थे और वो 35 शहरों में कुरियर की सेवा दे पा रही थी, लेकिन 2 साल बाद ही हवाई जहाज के पेट्रोल के रेट बहुत ही बढ़ने लगे और कंपनी लॉस में जाने लगी। कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने के कगार पर थी और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर तैयार ही नहीं हो रहा था। और ऐसे में कंपनी बचाने के लिए सभी लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कोई भी अपने प्रयासों को सफल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में कुछ पायलट्स ने तो हवाई जहाज में फ्यूल डालने के लिए अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। और ऐसी परिस्थिति में कंपनी के पास अभी सिर्फ $5,000 ही बचे हुए थे। और ऐसे में कंपनी के मालिक फ्रेड स्मिथ ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि जो एक बहुत ही सर्वसाधारण बिजनेसमैन कभी भी नहीं ले सकता है। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो लास वेगास में जाएंगे और बचे हुए पैसों से जुआ खेलेंगे। और उनके डिसीजन के मुताबिक वो लास वेगास शहर में जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जुआ खेला भी और वो जुए में $27,000 जीत गए। ये रकम कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन कंपनी को 2-3 सप्ताह तक बहुत ही अच्छी तरह से चला सकती थी। और इन 2 सप्ताहों में फ्रेड स्मिथ ने बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्टर को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार किया और $11 मिलियन की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपने कंपनी में लाई। और उसके बाद फेडेक्स कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। फेडेक्स कंपनी हर साल 120 करोड़ कुरियर एक से दूसरे शहर में पहुंचाती है। 2019 में मिले इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस कंपनी में 4,25,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और इस कंपनी का बिजनेस $65 बिलियन का यानी कि 4,60,000 करोड़ रुपयों का है। दोस्तों, हम इस वीडियो के जरिए से जुए को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज को हासिल करने के लिए उसके अंतिम क्षण तक प्रयास करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।